पहले आपने ये वाला पैनल लेना है। अच्छा, इस पैनल में आपको चार होल नजर आएंगे, तो ये साइड आपने बाहर की तरफ रखनी है और अंदर की तरफ दो होल्स होंगे, तो ये साइड अंदर की रखनी है। इस वजह से बता रहा हूँ कि इस साइड पे बाहर की तरफ इस पे नेट भी लगेगी, नेट नेट की रोड लगेगी। ये घूम के भी लग जाएगा लेकिन फिर नेट की रोड अंदर आएगी, इसलिए चार जो होल्स है ये साइड जो है ना आपने बाहर की तरफ रखनी है, तो आपका कोर्ट बिल्कुल सही असेंबल हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपके पास जो ना इस साइज के 18 स्क्रू होंगे, 18 स्क्रू जो ये कोड बनाने में आपको इस्तेमाल में आएंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप लगाना है। बाद आपने इसको टाइट करते रहना। इसमें आपके पास तीन वाइड कैप वाले स्क्रू होंगे, जिसमें एक दो एक साइज के होंगे और एक बड़ा होगा। तो ये बड़े वाला साइज जो है ना वो इसमें यूज होगा, वो इसमें लगाना है आपने। तरह लगेगा और दो स्क्रू। इसके बाद पहले आपने इसमें इसको हैंग करना है, ये बटन प्रेस होके इस साइड से भी, तो या पहले आप इसको इसमें लगाएंगे तो आपके इजीली इसको असेंबल कर सकेंगे ये पैनल। अच्छा, अब इस साइड पे दो दो स्क्रू लगेंगे, दोनों साइड्स पे दो दो स्क्रू लगेंगे, दो इस साइड पे दो उस साइड पे। साइड भी सेम दो स्क्रू लगेंगे दोनों साइड। ये लगेगा और इसका क्या तरीका इस्तेमाल है, इसके इस कोड में क्या है फंक्शन, तो वो हम आपके वीडियो में बता देंगे कि ये यूज किस तरह होता है। ये चार एक जैसे स्क्रू होंगे, जो पहले स्क्रू यूज हो रहे थे उनका साइज इससे बड़ा था, ये उससे छोटे साइज होंगे। चार स्क्रू होंगे एक ही साइज के, जो व्हील में यूज होंगे व्हील को लगाने में। ये इस साइड से लगेंगे। अच्छा, व्हील का जो है आपने ज्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि ज्यादा टाइट नहीं करना तो इस वजह से कि ये रोकिंग भी हो गया, आपने इतना करने के ये रोटेट हो सके। थोड़ा सा मैं इसको और टाइट कर देता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इसको नहीं करना। आप देख रहे हैं, हाँ इतना, अब ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया। चारों इसी तरह बिल्कुल ज़्यादा टाइट नहीं करने,
ऐसा करना है कि ये रोटेट हो सके, क्योंकि ये रोकिंग भी बन जाता है वुडन को। अच्छा, इसमें ये चार है, ये आपने एक इस साइड पे, एक बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद इसके ऊपर ये इसकी शीट आ जाएगी। इसकी शीट आ गई। अच्छा, अब आखिर में आपके पास ये छह इस तरह के ये कल बचे और छह स्क्रू होंगे जो आपने यहाँ लगाने। स्क्रू बाहर से रख के और इसको अंदर से, इसमें आपको पेचकस की जरूरत नहीं, हाथ से आप इजीली लगा सकेंगे। ये इसमें हमने देखे, ये बिल्कुल फर्स्ट पे लगाए हुए, तो इसमें मैट्रेस लेवल आप एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पे है, बच्चा बड़ा हो आपको लगे कि वो बाहर आ सकते हैं तो आप ये सेकंड पे भी लगा सकते हैं, और थर्ड जो है ना वो बिल्कुल इसका इसी के ऊपर शीट आएगी, ये लग जाएगा। तो ये तीन लेवल पे आप इसका मैट्रेस एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो है ना इसके ऊपर आखिरी जो ये इसका मैट्रेस, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये आपके पास हमने आपको दिखाए थे वीडियो में, पहले दिखाया था कि ये तीन होते, एक तो उस टाइम इस्तेमाल हो गया था, अब ये जो दो है वो इसकी नेट की रोड लगाने में यहाँ पे यूज होंगे। ये दोनों बिल्कुल सिंपल लग जाएंगे इस तरह। इसको ये आप बेड के साथ अटैच कर लो, तो दोनों साइड पे है ये बटन है, इसको प्रेस करना है दोनों साइड से, तो ये आपके बेड के साथ अटैच हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन ये भी है कि बच्चा बड़ा हो जाए आपको बाद में इसको बेड बना के भी यूज़ कर सकते हो, वो तरीका ये है। आपने ये इसको खोला, ये साइड एक्सटेंड हो जाएगी, इस पर मैट्रेस आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमने आपको वीडियो में शुरू में बताया था कि ये जो है ना व्हील, आपने ये ज़्यादा टाइट नहीं करना है, वो इसके लिए कि ये बाद में रोकिंग भी आ जाता है, रोकिंग भी बना सकते हैं इसको। ये देखे, ज़्यादा टाइट नहीं किए थे तो ये आ गया रोकिंग बेस पे। सेम उसी साइड से इसको भी आपने मूव किया रोटेट करने, इस व्हील को भी, तो अब ये स्विंग करेगा, रोक करेगा। न्यू बॉर्न बच्चे के लिए आप रॉकिंग भी यूज़ कर सकते हैं।